हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। तो हम लोग जा रहे हैं आबू अंबाजी घूमने के लिए और अभी हम हैं राजकोट के रेलवे स्टेशन पे और अभी रात के बजे 11 और 11:45 हमारा ट्रेन है इधर से आबू रोड और आबू रोड से हम जाएंगे फिर अंबाजी उधर से। तो हम शायद सुबह अर्ली मॉर्निंग पहुंच जाएंगे उधर 7 बजे करीब। तो अभी तो ट्रेन नहीं आया, थोड़ा टाइम है, तो फिर हम जाएंगे हमारा ट्रेन आते ही। तो आइए फिर आपको ले चलते हैं। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी बज गए मॉर्निंग के 7 AM और अभी हम लोग पहुंच गए हैं आबू रोड रेलवे स्टेशन और इधर से अभी हम जाएंगे वाया कैब बुक करके या फिर बस में। मोस्टली तो कैब में ही जाएंगे इधर से अंबाजी और जिसका डिस्टेंस 30-40 किलोमीटर है और अराउंड 1 आवर लगेगा। तो चलते हैं फिर उधर, अभी थोड़ा इधर फ्रेश होके फिर जाएंगे अंबाजी। तो आइए ले चलते हैं आपको। ये है आबू रोड स्टेशन और आप इधर से बाहर आओगे तो आपको कैब और वो सब इधर से ही मिल जाएगा। इधर से अंबाजी अगर आपको जाना है तो कैब वाला 800-700 रुपीस लेता है, तो आप कर सकते हो। वो भी हम लोग 5 लोग थे तो हमने ये कैब कर लिया था, तो हमारा 700 रुपीस लिया था और आपके होटल तक ड्रॉप कर देगा ये। हाय गाइस, तो अभी हम लोग जा रहे हैं अंबाजी फ्रॉम आबू रोड और ये बीच में एक जगह है जहाँ पे आप देख सकते हो नीचे से पानी जा रहा है और बैकड्रॉप में भी पूरे माउंटेन्स और वैसे है, तो एकदम ब्यूटीफुल बैकग्राउंड है। और हम अभी थोड़ी देर इधर रुके हैं ब्रेक के लिए, बट एकदम मस्त जगह है, आप फ्रेश हो जाओगे, एकदम हिल स्टेशन जैसा ही लग रहा है इधर। अभी वेदर और एकदम व्यू और वो सब बहुत मस्त है।
इस साइड भी देख सकते हो रोड है, इस साइड भी। तो दोस्तों, ये जो आप मंदिर देख रहे हो, ये है अम्बा जी का मेन टेंपल। और यहाँ पे आप बाहर देख सकते हो पूरा चलने के लिए बना है। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा लाइन होता है जब भी पीक सीज़न होता है तब। वो सबसे ऊपर मंदिर है और ये रोप पे है, आप देख सकते हो ऊपर से जा रहा है रोप पे, और वो सबसे ऊपर मंदिर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।